टाइम का बिल्कुल नहीं भर रहा। अच्छा टाइम सफिशिएंट है? हाँ पूरा है। अच्छा मैथ कितना आपने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? मैं 71 71 क्वेश्चन किए हैं, तब तो आपने बेस्ट ही किया होगा। 71 करे मतलब मैथ में 17, रीजनिंग में 19 करे थे, अच्छा जीएस में 15 अच्छा, और हिंदी में 20। मैथ का कोई टॉपिक बताएंगे जैसे नंबर नंबर सिस्टम से कोई आया? नहीं नंबर सिस्टम से नहीं आओ तो मैथ में एलसीएम एसएएफ से भी नहीं देखो। सिंपलीफिकेशन से? ना सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे हम बता रहे हैं। एक तो आओ तो क्वेश्चन तो मैं बस मेंसुरेशन से आए थे मतलब टू डी से और तुम आओ जहाँ से परसेंटेज से आओ तो और तुम आओ भी आए थे मतलब कि मतलब वैल्यू बड़ी बड़ी दी थी जी। सी पी दी थी एस पी दी थी उन्होंने अच्छा। प्रॉफिट निकालने तो अच्छा जो क्वेश्चन आओ तो और तुम पाइप टंकी मतलब समय वर्क से आए थे दो क्वेश्चन और नल टंकी से नहीं, नल टंकी से कोई क्वेश्चन नहीं आते। अच्छा जी एस में एक आर्टिकल 17 आओ तो ठीक है और तुम मीराबाई चानू ओके और तमाम वो आओ तो यूपी के मुख्यमंत्री यूपी अच्छा हाँ यूपी के मुख्यमंत्री हाँ मुख्यमंत्री आए थे और तमाम हिस्ट्री से हाँ हिस्ट्री से आओ तो वो अवध वालू अवध पे मतलब कब अवध पे कब्जा मतलब हड़पो तो अच्छा अच्छा हाँ बाकी डेट पूछी थी बाकी और बस रीजनिंग सरल आ रही, रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग कितना अटेम्प्ट किया आपने? रीजनिंग 19 करूँ हमने बस एक केवल सीरीज बार छोड़ो। आपने दिया है पेपर? नहीं दिया है भाई, पेपर दे के आयो भाई, पेपर दे के आयो। अरे यार एनालिसिस के लिए, अरे थोड़ा अच्छा हुआ। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 62 करे। 62 कैसा आ रहा है, मतलब इजी मॉडरेट हाई नॉर्मल? टाइम का इशू पड़ रहा है? मीडियम चल रहा है। टाइम का इशू पड़ रहा है कोई? नहीं 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 सही है, टाइम पढ़ने वाले के लिए कोई टाइम नहीं, एक घंटे सही है, सफिशिएंट है। जैसा कि दोस्तों देख रहे हो भैया लोग पेपर दे के निकल रहे हैं और बता रहे हैं अच्छा पेपर है। भैया पेपर हो गया क्या? भैया पेपर हो गया, कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। दो मिनट बताओ, सीधा खड़े होना। अरे दो मिनट यार बताओगे कैसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा हुआ। अच्छा कितना अटेम्प्ट किया आपने? 68 किया। 68 किया है और टाइम का कोई इशू बन रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हो? नहीं आ रही। मैनेजमेंट कैसा है? अच्छा है, बढ़िया, ठीक है। आपने भी दिया है पेपर, कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा, 76 हुआ। कोई जीएस का टॉप, जीएस के कोई क्वेश्चन बताओ? हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ ऐसे क्वेश्चन आए थे। अच्छा बहुत सरल सरल आए थे। अच्छा और अच्छा पेपर हुआ। अच्छा मतलब अच्छे अच्छे पेपर हुए। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है आपका सही गया होगा। मैम पेपर दिया है आपने? अरे अरे आइए आइए आ जाओ। मैम पेपर हो गया? हाँ हो गया। कैसा हुआ पेपर? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। हाँ। टाइम का कोई इशू हो रहा है? नहीं टाइम का तो कोई इशू नहीं हो रहा है। एक घंटा सफिशिएंट है टाइम? सफिशिएंट है टाइम। अच्छा अच्छा आप अगर आपने मैथ में कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैथ मैंने 18 क्वेश्चन किए। 18 क्वेश्चन किए। टॉपिक बताएंगे मैथ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है? मैथ में परसेंटेज का था ओके और साधारण ब्याज से थे, साधारण ब्याज और एवरेज का था, एक एवरेज का ओके और एक नौ धारा का था। अच्छा टाइम एंड वर्क का था एक, बस नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं? नंबर सिस्टम LCM, नहीं कोई क्वेश्चन नहीं। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन? हाँ एक क्वेश्चन था। मेंसुरेशन MTH का पूछ रहे हैं। अच्छा MTH का। हाँ। अच्छा वो तो टाइम एंड वर्क में ही आ जाता है। हाँ टाइम एंड वर्क में आता है। मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन? मेंसुरेशन से दो थे। दो थे, एक बेलन का था। अच्छा और एक शंकु का था। अच्छा एक शंकु का। हाँ नॉर्मली थे, फार्मूले बेस्ड। अच्छा जीएस का कोई बताओ आपको क्वेश्चन? जीएस तो ठीक आ रही है, मतलब जीएस का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जीएस में कितना अटेम्प्ट किया आपने? जीएस में मैंने 12 ही किए। 12 ही किए। रीजनिंग में? रीजनिंग में 19 किए हैं। 19 किए। रीजनिंग कहाँ से आ रही है? ब्लड रिलेशन? नहीं था, एक भी नहीं था। नंबर सीरीज? नंबर सीरीज दो थी। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग तीन थे। अच्छा अल्फाबेट सीरीज? अल्फाबेट का एक था। अच्छा पजल? पजल नहीं थी। डाइस? डाइस एक था। फिगर पूछा था, फिगर काउंटिंग नहीं था। नहीं था। फिगर कटिंग? नहीं फिगर कटिंग भी नहीं था। अच्छा नहीं था। नहीं। अच्छा वेन डायग्राम? वेन डायग्राम एक था। कथन निष्कर्ष? एक था। अच्छा एक था। हाँ एक। जीएस का कोई क्वेश्चन याद हो आप बताओ? जीएस का कोई क्वेश्चन नहीं, प्रॉब्लम हो कोई चले जाना। जीएस का एक नृत्य पूछा था। नृत्य पूछा? हाँ। था। अच्छा नृत्य याद है क्या? भरतनाट्यम का था। भरतनाट्यम? अच्छा तमिलनाडु? तमिलनाडु भरतनाट्यम वही था एक। और कोई दिवस वगैरह पूछा हो? दिवस भी नहीं था। दिवस नहीं था। एक फेस्टिवल से था क्वेश्चन। फेस्टिवल था। एक वो था कि फेस्टिवल हो, फेस्टिवल किसे कहते हैं? नागालैंड। अच्छा अच्छा। हाँ वो था क्वेश्चन। अच्छा बस ऐसे सर। पॉलिटी से क्वेश्चन मिला हो? पॉलिटी से था, आर्टिकल 70 था। आर्टिकल 70 था। अच्छा हाँ 17 था आर्टिकल। और जियोग्राफी से?
जियोग्राफी से नदियां पठार झरने पहाड़ कुछ नहीं, ये कुछ नहीं था। नहीं 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 ये कुछ नहीं था वगैरह नहीं, ये कुछ नहीं था। दिवस वगैरह कुछ नॉर्मल ही था। 20 क्वेश्चन ठीक आ रहा है क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैम ने बोला है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं जी, इसमें आप भी कर सकते हैं और बने रहिए हमारे साथ और भी लोगों से हम रूबरू करा रहे हैं आपसे। यहाँ भैया किसी ने दिया है पेपर? नहीं दिया, आ जाओ आ जाओ उधर। जो लोग पेपर दिया है? नहीं दिया है। अरे बताओ जितना किया है उतना कैसा आ रहा है पेपर? सही है पेपर, सही है पेपर। हाँ टाइम का कोई इशू तो नहीं बन रहा है? बस टाइम ही कम पड़ रहा हूँ पेपर से। टाइम कम पड़ रहा है? आपने कितना अटेम्प्ट किया? हमने 55 कर दिए। 55 क्वेश्चन किए। मैथ में कितना किया? मैथ में 5-6 करे हैं। 5-6 किए? अरे यार क्या कर रहे हो, 5-6 क्वेश्चन किए मैंने बस। हिंदी में कितना किया? हिंदी में 20 कर जाए। 20 क्वेश्चन। रीजनिंग में 17। अच्छा मतलब ठीक गया आपका। आपने भी किया? रावतपुर। रावतपुर कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा पेपर हुआ। कितने क्वेश्चन किए? 76। 76 क्वेश्चन जी, तब तो बेस्ट ही हुआ होगा। टाइम का कोई इशू पड़ रहा है? टाइम ने 53 मिनट में हुआ था। 53 मिनट में जी। कोई टेक्निकल इशू आ रहा है? कोई नहीं। कोई नहीं। मैनेजमेंट कैसा है? एकदम बढ़िया। बढ़िया है। अच्छा तो मैथ में आपने कितना किया? 20 पे 20। 20 में 20। टॉपिक बताओ कौन कौन से थे? सबसे ज्यादा परसेंटेज से रिलेटेड थे। कितने क्वेश्चन? कम से कम 6-7 परसेंटेज रिलेटेड थे। हान लाभ परसेंटेज बट्टा जी। अच्छा सीआईएसआई? सीआईएसआई से, सीआई से आ रहा है क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क? टाइम एंड दो क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के दो क्वेश्चन? दो क्वेश्चन। पाइप टंकी से? पाइप टंकी से नहीं था। मेंसुरेशन? एक क्वेश्चन। एक को नहीं आ रहा? एक आ रहा है। बेलन की हाइट पूछे थे। अच्छा बेलन की हाइट पूछी थी, मतलब ठीक गया होगा आपका। थैंक यू भाई। पेपर दिया है? नहीं दिया मैम। अरे जितना जितना किया है उतना ही बता दो। चलो कोई अच्छा हुआ है। कितना अटेम्प्ट किया आपने? ये यहाँ पे नहीं दिया भाई इन्होंने पेपर। अरे यार शांत रहो ना, तुम सवारी ढूंढो। अच्छा तो कैसा आ रहा है पेपर? पेपर अच्छा आ रहा है। अच्छा आ रहा है, चलो ठीक है। हुआ? अच्छा हुआ। टाइम का कोई इशू पड़ रहा है क्या? हाँ टाइम का इशू है थोड़ा। हाँ थोड़ा। कितना अटेम्प्ट किया? क्या कितना अटेम्प्ट किया पेपर? पेपर कितने किए? क्वेश्चन तो मैंने सारे किए हैं लेकिन बस ये है कि थोड़ा एक दो। अच्छा अच्छा हाँ। तो आपने मैथ में कितना किया? मैथ में तो हमने सारे क्वेश्चन किए हैं। सारे क्वेश्चन? हाँ मैथ का सिलेबस भी है। अच्छा किस किस टॉपिक से आ रहे हैं? टॉपिक यही मैथ ही से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा थोड़ा इधर आ जाओ। अरे कोई किसी और भी पूछ लो यार। भाई पेपर दे दिया है? हाँ भैया। अरे इधर आओ ना। अरे ठीक है। थोड़ा यार चेहरा दिखा दो बस। चेहरा दिखा रहे हैं और दोस्त ही देखेंगे एनालिसिस के लिए पूछ रहे हैं। ठीक है भैया। तो कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा भैया। बहुत अच्छा पेपर हुआ। हिंदी में कितना अटेम्प्ट किया? हिंदी में सारा। सारा? मैथ में सब? टॉपिक बताओ मैथ का। टॉपिक हमें खुद ही नहीं पता हम क्या करके आए भैया। अच्छा अच्छा यार होना चाहिए कम से कम। अरे अच्छा टोटल कितने किए क्वेश्चन? टोटल अब भगवान जाने नंबर आएगा तो देखा जाएगा। पर ठीक है। ठीक है हाँ। कोई टाइम का इशू पड़ रहा है? एक टाइम सफिशिएंट है। टाइम सुनने में आ रहा है सबके लिए लेकिन मेरे लिए नहीं पड़ा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मेरे लिए कम नहीं पड़ा था। कम नहीं पड़ा और पीछे हो जाओ। अच्छा तो मैथ में कितना अटेम्प्ट किया आप? 18। 18 क्वेश्चन। टॉपिक बताएंगे? टॉपिक साधारण ब्याज से दो क्वेश्चन। ओके साधारण ब्याज में बता रहे हैं दो अंश का अंतर वाला आया था और एक चक्रवृद्धि ब्याज में जो आता है किस्त वाला। ओके okay. ये था और एक प्रॉफिट लॉस से था। okay. प्रॉफिट लॉस से दो था। ओके okay. रेशियो से एक था। एडवांस से तीन। अच्छा एडवांस से तीन था जिसमें से मतलब एक मैथ के लिए से था। जैसे रेशियो में पूछा था लंबाई 1 है चौड़ाई 3 गुना है ऐसे कह के पूछा था। अच्छा अच्छा हाँ और बता रहे हैं परसेंटेज से भी था। मेंसुरेशन से पता कोई? हाँ मेंसुरेशन बेलन से था ना। अच्छा, बेलन से था। हाँ अच्छा। बेलन से था घन दे दिया था। अच्छा, उसका मतलब क्षेत्रफल दे दिया था। अच्छा सॉरी आयतन 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 दिया था। ऊंचाई पूछा था मतलब गहराई पूछा। अच्छा, था सबको का? नहीं बेलन का। अच्छा बेलन का। बेलन का जो है। ओके ओके जीएस का टॉपिक था। जीएस में संविधान से 3 था 4 था इकोनॉमिक से जो इसमें एक इकोनॉमिक्स हम एक भी नहीं किए हैं। अच्छा ये पूछ लिया गया सीएम पूछ लिया। हाँ सीएम जो यूपी के 2022 में जो सीएम करवाए हुए हैं। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो? यही अनुच्छेद 17 से पूछा गया था। अच्छा और अनुच्छेद 17 से पूछा गया था। और बता रहे हैं आपको और नृत्य के बारे में पूछ लिया गया था जैसे कि जो कौन सा नृत्य याद है क्या आपको? अरे शास्त्रीय पूछा गया था। शास्त्रीय नृत्य? शास्त्रीय नृत्य के वो नृत्य नृत्यकार दिए थे उसने पूछा था कि ये किसके नृत्यकार हैं। कोई त्योहार वगैरह फेस्टिवल पूछा था कौन सा का उत्सव कौन होता है? त्योहारों का त्योहार नागालैंड।
राज्य को बोलते हैं क्या? नहीं वो उत्सव कौन सा? हाँ नागालैंड राज्य को बोलते हैं। हाँ त्योहारों का त्योहार में भी अच्छे लेवल के सवाल थे, जैसे एक सवाल है फेस्टिवल जो कहते हैं ना। उसका आंसर याद नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था जैसे कि मेरी कॉम कहाँ की रहने वाली, जैसे कौन सा स्टेट है, किस स्टेट से बिलोंग करती है, स्टेट से बिलोंग करती है। और एक बहुत ही सवाल बहुत अच्छा था कि 3 महीने का बेबी है यानी बच्चा वो 6 किलो का हो जाता है यानी वो उसका कितना परसेंट बढ़ोतरी हुई है। अच्छा अच्छा वो अच्छे लेवल का सवाल था। एक सिलेंडर का सवाल था जो मतलब अच्छा करंट बताएंगे कहाँ? हाँ करंट 2022 है, मार्च से लेके यही क्वेश्चन बताओ अगर याद। जैसे मार्च का पूछा था, नहीं एक तो मार्च कहाँ था 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने, सबसे इजी सवाल ये जीएस भरे में सबसे इजी यही सवाल था और इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि आपने किया भी होगा। बिल्कुल भाई ने किया, ये किया होगा। एक भाई जो धोखे में छूट गया किसी का छूट गया। दिवस वगैरह पूछा हो? दिवस जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन? जियोग्राफी से कोई नहीं, कुछ नहीं है। और बायो से एक क्वेश्चन था कि पादप कोशिकाएं किसका भाग है? एक था जीएस केमिस्ट्री से कि आयस किसका वो बाकी हिंदी भी अच्छी लेवल की थी, सिर्फ एक पर्यायवाची था जो थोड़ा। ग्रामर से कितने क्वेश्चन हिंदी? एक भी नहीं, सब शब्दावली से। अच्छा एक भी उसका आया था, सुक्ति वाला कोई था। जैसा कि कल वाली शिफ्ट में आ रहे थे ग्रामर से, आज एक भी सुक्त वो तो सुक्त था। अच्छा एनालिसिस के बारे में क्या बोलेंगे? एनालिसिस से क्या मतलब कुछ बेनिफिट मिलता है इसका? हम तो नहीं किए थे, लेकिन हम नहीं किए थे। मिलता है, बहुत अच्छा रहता है, रिस्पांस अच्छा आता है। जैसे मतलब टाइम नहीं मिला। अच्छा जैसे एक आया था आर्टिकल आया था 17 किससे संबंध है? अच्छा संबंध है, एक ही क्वेश्चन बना? नहीं दो थे, दो थे, एक और था। अच्छा एक ये वाला तो बता, अनुच्छेद एक पूछा गया था, यही 17 अनुच्छेद पूछा गया। एक और था पॉलिटिकल। अच्छा रीजनिंग का बताओ कोई टॉपिक? रीजनिंग के वही नंबर सीरीज, नंबर सीरीज आई थी और वो सेटिंग अच्छा बोर्ड मास वाले रक्त संबंध वाले भी थे, ब्लड रिलेशन वाले थे, ब्लड संबंध थे, लिसन वाले थे, सीटिंग वाला भी आया था, सीटिंग वाला भी आया था, ए प्लस बी ऐसे करके रखा, उसके भी दो आए थे कि दोनों पूरा न्यूमेरिक करके बनाया होगा। हाँ। प्लस की जगह क्या करना है, मतलब दो चीजें आपको ये दो क्वेश्चन है। सवाल थे रीजनिंग में फिगर काउंटिंग के दो थे। अच्छा अच्छा एक फिगर वाला भी, दो सेटिंग अरेंजमेंट के थे, डाइस एक क्वेश्चन है, डाइस का भी था। अच्छा और जो उसके कथन निष्कर्ष का एक था। अच्छा वेन डायग्राम कोई? वेन डायग्राम नहीं था, सेलेलिस नहीं था, कुछ नहीं था वो। अच्छा, था जो नहीं फिगर काउंटिंग, फिगर कटिंग, फिगर काउंटिंग में वो जो नहीं रहता है क्या नाम है, चार चार बनाया रहता है उसी में पलटा रहता है, वो वाला था। अच्छा वही फिगर काउंटिंग वाला। हाँ एक फिगर काउंटिंग नहीं था, कटिंग वाला, नॉन वर्बल फिगर काउंटिंग नहीं बोला जाता है, नॉन वर्बल अंतर्निहित वाला था वो यार, अंतर्निहित वाला। अच्छा अंतर्निहित वाला कौन सा मतलब तीन बने होंगे इसका पूरा कैसे बनेगा? हां हां है ना। अच्छा अच्छा कौन दिया करती छुपी हुई है? और आपने जीएस का कोई बताओ क्वेश्चन? जीएस में एक था अनुच्छेद 17 था, 17 और यूपी का सीएम पूछा था। ओके और एक मेरी कॉम का संबंध किस राज्य से है? ओके और त्रिपुरा राज्य कौन से देश से घिरा हुआ है दो तरफ से? त्रिपुरा। अच्छा बांग्लादेश से। हाँ, और ये ज्योग्राफी से और बताते हैं ये सीमा उसकी और बांग्लादेश से घिरा हुआ ना, बांग्लादेश से, मेघालय, मेघालय, मेघालय में कौन सी पहाड़ियां अधिक वर्षा कराती हैं? मेघालय। हाँ और बताओ और जीएस का कोई याद हो? जीएस में तो बस समथिंग इतने ही याद है, मतलब इंडियन इंडियन ज्योग्राफी पूछी जा रही है अभी आपको। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी कोई क्वेश्चन नहीं मिला, कोई पहाड़ दर्रे नदियां कुछ नहीं। नो अच्छा मतलब सिंपल आ रहा है, बढ़िया था। मैथ आपने अटेम्प्ट कितना किया? 66 किया, जो आ रहा था वही किया। नहीं नहीं बढ़िया है, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ किया। फुल टाइम का कोई इशू बन रहा था? टाइम में मैथ में थोड़ा लास्ट में मैथ थोड़ा टाइम लग रहा है, बना के चलें अपना कि मैथ बाद में कर लें वरना। अच्छा। मैथ के क्वेश्चन छूट जाएंगे। अच्छा मतलब कैलकुलेटिव रहता है? हाँ कैलकुलेटिव रहता है, पहले से ही बनाते चलो अपना मैथ, उसमें रीजनिंग और उसमें अपना समय वैसा बनाकर चलो। हाँ मतलब देख सकते हो आप बाद में, मतलब सभी क्वेश्चन देख सकते हो एक बार में,
चलो जैसा कि दोस्तों देख रहे हो, भाई लोग अभी पेपर दे के सेंटर से निकले हैं और बता रहे हैं बहुत ही इजी पेपर आ रहा है। मतलब आप एक सिक्वेंस से आप पेपर करोगे, मतलब इजी नहीं मीडियम बोल सकते हैं, मॉडरेट पेपर, इजी टू मॉडरेट रहता है ना। और बाकी आप देख रहे हैं जीएस कहाँ से फंस रही है, भाई लोग बता रहे हैं, और करंट तो 2022 की ही फंस रही है ना। अच्छा अच्छा, धन्यवाद भाई। कैरियर अड्डा 121 अपना चैनल है, एनालिसिस दिखाएंगे, शाम को देखना ना भूलें। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, अगली नेक्स्ट शिफ्ट में आप कुछ से मिलते हैं, मुलाकात होगी। मैं दशरथ सिंह, कैरियर अड्डा 121, फिर मिलेंगे आपको।